नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे वक्रोक्ति संप्रदाय का, जिसे हम वक्रोक्ति सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत मतलब पर्टिकुलर थ्योरी हो जाता है, और वक्रोक्ति संप्रदाय से तात्पर्य है कि वक्रोक्ति सिद्धांत को मानने वाले अथवा उसके संबंध में विचार करने वाले जो विद्वान हैं, उन सबको मिलाकर, उनके विचारों को मिलाकर हम कहते हैं कि यह एक संप्रदाय बन गया है, वक्रोक्ति संप्रदाय। तो जब भारत में जो प्राचीन जो विद्वान हुए संस्कृत के, उन्होंने जब काव्य की आत्मा, मतलब काव्य का सार तत्व तो क्या है, काव्य का मूल तत्व तो क्या है, अथवा काव्य की आत्मा क्या है, इस पर जब विचार किया, तब विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों अथवा संप्रदायों ने जन्म लिया। उन्हीं में से एक संप्रदाय है वक्रोक्ति संप्रदाय अथवा वक्रोक्ति सिद्धांत। शुरू में बता दो कि कुछ छात्र मुझसे प्रायः प्रश्न पूछते रहते हैं कि क्या यह ग्रेजुएशन के लिए है यह लेक्चर, या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है, या फिर यूजीसी नेट के लिए है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह लेक्चर उन सभी एग्जाम्स के लिए है यदि यह आपके सिलेबस में शामिल है, क्योंकि सिद्धांत तो बदलता नहीं, सिद्धांत यही रहेगा। चाहे आप ग्रेजुएशन के छात्र हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र हो, या किसी भी परीक्षा में के सिलेबस में यदि यह टॉपिक शामिल है तो यह लेक्चर आपके लिए। चलिए, बहुत ही सरल भाषा में इसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि वक्रोक्ति सिद्धांत क्या है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय आचार्य कुंतक को है, मतलब इसके जन्मदाता या प्रवर्तक किसे माना जाता है, आचार्य कुंतक को माना जाता है। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह है वक्रोक्ति जीवित। वक्रोक्ति जीवित में इन्होंने वक्रोक्ति को काव्य का अनिवार्य तत्व तो माना है, और इसे काव्य की आत्मा कहकर इसकी व्याख्या किया है, इसे संबोधित किया है। यद्यपि काव्य शास्त्र में जो वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग है पहले भी उपलब्ध होता है, पहले से यह चला आ रहा था, मतलब वक्रोक्ति शब्द के जन्मदाता यह नहीं है बल्कि यह पहले से चला आ रहा था, पर यह उस अर्थ में नहीं मिलता जिस अर्थ में कुंतक ने इसका प्रयोग किया है। आचार्य कुंतक ने जिस प्रकार इसे परिभाषित किया है, जिस प्रकार इसकी व्याख्या किया है, इस प्रकार यद्यपि यह नहीं मिलता, लेकिन जो वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग है पहले से चला आ रहा था, उनसे पहले के विद्वानों ने भी इस पर विचार विमर्श किया था। अब हम देखते हैं कि वक्रोक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है। वक्रोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वक्र धन उक्ति, ये वक्र हो गया और ये हो गया उक्ति। वक्र का अर्थ है कुटिल या विलक्षण। कुटिल मतलब आप समझ सकते हैं कुटिल बुद्धि बोलते हैं, कुटिल मतलब तिरछी, आड़ी तिरछी जो बुद्धि होती है, या फिर कुटिल कटुता जिसमें होता है। तो वक्र का अर्थ है कुटिल या विलक्षण, और उक्ति का अर्थ होता है कथन। अतः वक्रोक्ति से अभिप्राय है बांकपन या विलक्षणता से भरा हुआ कथन। तो बांकपन मतलब शरारत होता है जिसमें, है ना, शरारत भरा होता है, और विलक्षण मतलब विलक्षण होता है, चमत्कारपूर्ण होता है। तो चमत्कारपूर्ण अथवा विलक्षण भावों से युक्त जो कथन होता है उसे हम कहते हैं वक्रोक्ति। अब किसी बात को सामान्य ढंग से व्यक्त करने में सरसता नहीं आती, अतः उसे चमत्कारिक ढंग से या विलक्षणता से कहना ही वक्रोक्ति है। जैसे आम आदमी क्या है, जैसे बोला गया कि आज बहुत ही गर्मी लग, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन चमत्कारिक विलक्षण ढंग से कहेंगे तो क्या बोलेंगे कि आज तो आसमान आग उगल रहा है, या ओलों की बारिश, या फिर आग की बारिश हो रही है कह सकते हैं। जैसे कि आपने जो बिहारी जी का एक दोहा आपने पढ़ा होगा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवन हसय, देह कहे नट जाए, देन कहे नट जाए। मतलब जो कृष्ण की जो नायिका हैं, जो गोपियां हैं, वे क्या हैं, उनसे बात करने की इच्छा रखती हैं भगवान कृष्ण से, और वे उनकी मुरली को छुपा देती है। भगवान कृष्ण बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं, मुरली से बहुत प्यार है कि मुझे दे दो, तो वो कहती है कि हमारे पास नहीं है, सौगंध भी खाती है कि हमारे पास यह मुरली नहीं है, और एक दूसरे को देखकर भावों के माध्यम से हंसकर वो मतलब मजा भी लेती है, शरारत करती है। तो यही है वक्रोक्ति। भावों की अभिव्यक्ति के लिए कवि सामान्य मनुष्य द्वारा अपनाए गए मार्गों से भिन्न विलक्षणता का या वक्रता का आश्रय लेता है। कथन की यह विलक्षण भंगिमा ही वक्रोक्ति है। मतलब कवियों के जो कहने का ढंग है वह आम जनता या आम आदमी जो जिस भाषा का प्रयोग करता है, जिस प्रकार की उक्ति या कथन का प्रयोग करता है, उस प्रकार की भाषा या उक्ति या कथन का प्रयोग कोई कवि लोग नहीं करते, बल्कि वे अपनी भावों का अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए उसे चमत्कारिक ढंग से कहते हैं, विलक्षण ढंग से कहते हैं, इसे ही कहा जाता है वक्रोक्ति। अब वक्रोक्ति का इतिहास, मतलब कब से यह शुरू हुआ। काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति का प्रारंभ प्रयोग प्रारंभ से ही होता रहा है।
भामा दंडी आदि अलंकारवादी आचार्यों ने वक्रोक्ति का निरूपण करने का प्रयास किया। यद्यपि आचार्य कुंतक ने इस सिद्धांत का प्रवर्तन किया और इसे व्यवस्थित रूप प्रदान किया, लेकिन इनके पहले के जो अलंकारवादी आचार्य हैं भामा दंडी इत्यादि, इन्होंने भी वक्रोक्ति को परिभाषित करने का, उसकी व्याख्या करने का, उसका निरूपण करने का प्रयास किया है। आइए उनके क्या विचार हैं देखते हैं। आचार्य भामा के क्या विचार हैं? आचार्य भामा वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्यायवाची स्वीकार करते हैं। उन्होंने सभी अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को ही स्वीकार किया है। तो बहुत ही इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है अतिशयोक्ति, मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसे हम कहते हैं अतिशयोक्ति। तो आचार्य भामा का कहना है कि वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति दोनों ही एक ही चीज है, और जितने भी अलंकार है उनका मूल कहां से होता है? वक्रोक्ति से ही होता है। वक्रोक्ति मूल है, उसका आधार है। उन्होंने संस्कृत में यह कहा है, शैशा सर्वत्र वक्रोक्तिर नयार्थो विभाव्यते यत्नो अस्याम कविना कार्या कुलंकारो नया बिना। अर्थात इस प्रकार आचार्य भामा ने वक्रोक्ति को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया है, और उनका कहना है कि जितने भी अलंकार हैं उनका जन्म वक्रोक्ति से ही होता है, उनके मूल में वक्रोक्ति ही होती है। वक्रोक्ति को परिभाषित करते हुए आचार्य भामा ने कहा है, लोकातिक्रांत गोचरम वचरम, अर्थात लोक की साधारण कथन प्रणाली से भिन्न उक्ति ही वक्रोक्ति है। मतलब आम जनता जिस कथन प्रणाली का प्रयोग करती है, लोक में जनमानस में जो कथन प्रणाली प्रचलित है, जो बोलने का तरीका, जो कहने का तरीका प्रचलित है, उससे भिन्न और विलक्षण जो उक्ति है जिसमें चमत्कार है, वही क्या है? वक्रोक्ति है। अब आचार्य भामा अलंकारवादी आचार्य थे और उन्होंने अलंकार को काव्य का मूल तत्व स्वीकार किया है, लेकिन इन अलंकारों में वे वक्रोक्ति की अनिवार्यता को भी मानते हैं। मतलब सभी अलंकारों के मूल में वे वक्रोक्ति को मानते हैं। उनका मत था कि वक्रोक्ति रहित काव्य वाक्य काव्य न रहकर वार्ता मात्र रह जाता है। मतलब उनका कहना है कि यदि कोई कविता लिख रहा है यदि कवि कवि, और यदि उसमें वक्रोक्ति नहीं है, विलक्षण उक्ति नहीं है, चमत्कार पूर्ण उक्ति नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, तो वह क्या है? वह काव्य नहीं है बल्कि वार्ता है, कथन मात्र है, केवल वाक्य मात्र रह जाता है, ऐसा उनका विचार है। आचार्य दंडी, ये भी अलंकारवादी आचार्य, इनका क्या कहना है? आचार्य दंडी ने काव्य को दो भागों में विभक्त किया है, स्वभावोक्ति और दूसरा वक्रोक्ति। इनके अनुसार काव्य के दो भाग होते हैं। वक्रोक्ति को वे अर्थालंकारों का सामूहिक रूप मानते हैं, और श्लेष इस वक्रोक्ति के सौंदर्य में वृद्धि करता है। तो वहां पर जो भामा ने क्या किया था, सभी अलंकारों के मूल में मान लिया था, लेकिन इन्होंने उसको लिमिट कर दिया, इसको सीमित कर दिया। उनका कहना है जो अर्थालंकार है, अलग अलग कैटेगरीज अलंकारों का आपको पता है, तो जो शब्दालंकार, अर्थालंकार इत्यादि, तो जो अर्थालंकार है उनको कलेक्टिव रूप से, सामूहिक रूप से हम कहते हैं वक्रोक्ति, और जो श्लेष अलंकार है वह क्या है? वक्रोक्ति के सौंदर्य में वृद्धि करता है। श्लेष भी एक अर्थालंकार है, यह क्या है? उसके सौंदर्य में, खूबसूरती में वृद्धि करता है वक्रोक्ति के। अब आचार्य वामन का क्या कहना है? आगे चलकर वक्रोक्ति की सीमा संकुचित होती हो गई और आचार्य वामन ने वक्रोक्ति को एक दूसरे ही रूप में स्वीकार किया। अब आचार्य वामन का कहना है कि यह एक अलग ही चीज है, इसका इन्होंने और लिमिट कर दिया। इनका कहना क्या है? उन्होंने वक्रोक्ति को अर्थालंकारों में से एक विशेष अलंकार माना है और इसकी निम्न परिभाषा दी है। मतलब धीरे धीरे इसका जो क्षेत्र है उसको सीमित करते चले गए। आचार्य भामा बोलते हैं सभी अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति होती है। आचार्य दंडी कहते हैं कि जितने भी अर्थालंकार हैं वे वक्रोक्ति के कारण हैं या वक्रोक्ति हैं। अब आचार्य बामन का क्या कहना है कि केवल और केवल अर्थालंकार में एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा अलंकार है, वह क्या है? वक्रोक्ति है। अर्थालंकार सामूहिक रूप से ये नहीं है, इनका कहना है अर्थालंकारों में एक विशेष अलंकार है, वह वक्रोक्ति है। उन्होंने वक्रोक्ति को अर्थालंकारों में से एक विशेष अलंकार माना है, इसकी निम्न परिभाषा दी। तो इनका कहना है कि वक्रोक्ति अर्थालंकार तो है, लेकिन उसमें से भी अर्थालंकारों में से एक विशेष अलंकार है। और इन्होंने कहा है सादृश्यात लक्षणा वक्रोक्ति, अर्थात सादृश्य पर आश्रित लक्षणा, गौड़ी लक्षणा ही वक्रोक्ति है। पर वामन के मत को परवर्ती आचार्य ने स्वीकार नहीं किया है। तीन प्रकार की शब्द शक्तियां होती हैं, आपको पता है, अभिधा लक्षणा व्यंजना, एक होता है गौड़ी लक्षणा। इन्होंने कुछ कैटेगराइज किया होगा, इसका हमको याद रखना पड़ेगा। तो सादृश्य पर, सादृश्य मतलब एक जैसा दिखाई देना, एक जैसा होना, जिनमें समानता होती है, उसे कहते हैं हम सादृश्य। तो सादृश्य पर आश्रित लक्षणा, गौड़ी लक्षणा ही वक्रोक्ति है।
पर वामन के इस मत को बाद के जो आने वाले आचार्य इन्होंने स्वीकार नहीं किया। देखिए कुछ चीजों को आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि यह संस्कृत काव्य शास्त्र है, तो सभी चीजों की व्याख्या तो करना बहुत ही मुश्किल है। तब अलंकारवादी आचार्य ने इसे एक अलंकार विशेष ही माना है और इसे संकुचित अर्थ ही प्रदान किया है। अलंकारवादी आचार्य ने कहा है कि यद्यपि वक्रोक्ति अलंकार तो है लेकिन यह अलंकार का मूल नहीं है, अलंकार का आधार नहीं है, बल्कि यह एक विशेष अलंकार है। आचार्य रुद्रट इनका क्या विचार है? आचार्य रुद्रट ने वक्रोक्ति को एक अलंकार मानकर इसके दो भेद किए हैं। आचार्य रुद्रट कहना है कि यह भी एक अलंकार है वक्रोक्ति, और इसके इन्होंने दो भेद किए हैं, दो प्रकार बताए हैं, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति, आचार्य रुद्रट। अब ध्वनिवादी जो आचार्य हैं, आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य अभिनव गुप्त इत्यादि ने वक्रोक्ति को पुनः महत्व प्रदान किया और इसे समग्र अलंकारों का मूल तत्व स्वीकार किया है। संक्षेप में, कुंतक से पहले वक्रोक्ति का यही स्वरूप था, तो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। उनके पहले के जितने भी आचार्य हैं उनके विचार हम यहाँ पर देखे, तो जो ध्वनिवादी आचार्य हैं आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त, इन्होंने भी क्या कहा है कि वक्रोक्ति सभी अलंकारों का मूल तत्व है, आधारभूत तत्व है। अब आचार्य कुंतक का विचार हम देखते हैं जो कि वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। आचार्य कुंतक द्वारा वक्रोक्ति विवेचन कैसे किया गया, इसकी व्याख्या कैसे की गई? आचार्य कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवित में वक्रोक्ति के स्वरूप और महत्व की विशद व्याख्या की है। इनकी विस्तार से व्याख्या इन्होंने किया है अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवित में, और इसे उन्होंने काव्य का प्राण तत्व स्वीकार किया है, काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। तो इन्होंने क्या कहा है वक्रोक्ति को परिभाषित करते हुए? वक्रोक्ति काव्य जीवितम, अर्थात वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। और इन्होंने वक्रोक्ति को पुनः परिभाषित करते हुए कहा है, वक्रोक्ति रेव वैदग्ध्य भंगी भड़ीति रुच्यते, अर्थात वैदग्ध्य पूर्ण विचित्रोक्ति ही वक्रोक्ति है। तो यहां हम देखते हैं अलग अलग शब्दों के अर्थ। वैदग्ध्य का अर्थ है विलक्षणता, जो विलक्षण है, चमत्कार पूर्ण है। भंगी का तात्पर्य भंगिमा, जेस्चर, कहने का ढंग, जिसे भाव भंगिमा जैसे कहते हैं। और भणिति का अर्थ है कथन, मतलब कहना या कोई उक्ति। इस प्रकार वक्रोक्ति का क्या अर्थ हुआ आचार्य कुंतक के हिसाब से? कथन की वह भंगिमा जो विलक्षणता से युक्त हो, मतलब किसी बात को कहने का वह तरीका जिसमें विलक्षणता हो, जिसमें चमत्कार हो। कुंतक ने वक्रोक्ति के लिए काव्य में तीन बातों की आवश्यकता मानी है। आचार्य कुंतक का कहना है, किसी भी काव्य में हम तभी कहेंगे कि उसमें वक्रोक्ति शामिल है जब उसमें तीन बातों का समावेश हो। पहला कवि कौशल, मतलब कवि का खुद का टैलेंट, खुद का स्किल। दूसरा चमत्कार, कोई विलक्षण बात कही गई हो अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से, चमत्कारपूर्ण ढंग से। और तीसरा है उक्ति, उक्ति मतलब होता है कथन। तो कवि कौशल, चमत्कार और उक्ति, ये तीन बातें वक्रोक्ति के लिए आवश्यक हैं। अब आचार्य कुंतक के वक्रोक्ति विवेचन में निम्न तथ्य उल्लेखनीय है। तो आचार्य कुंतक ने जब वक्रोक्ति पर विचार किया तब उन्होंने इन बातों को शामिल किया, इस प्रकार उसकी व्याख्या की। वक्रोक्ति एक कथन प्रणाली या प्रतिपादन पद्धति है। तो वक्रोक्ति क्या है? किसी बात को कहने का एक तरीका है, वह अलंकार न होकर अलंकार है। अलंकार मतलब जिसको हम सजाते हैं, एक हो गया अलंकार्य और एक हो गया अलंकार। तो जिसको हम सजाते हैं वह कहा जाता है अलंकार, और जिससे हम सजाते हैं वह कहा जाता है अलंकार। जैसे कोई दुल्हन है तो दुल्हन को हम सजाते हैं गहनों से, ज्वेलरी से, तो दुल्हन क्या हो गई? अलंकार हो गई। और जो ज्वेलरी है वह क्या हो गया? अलंकार हो गया, आभूषण हो गया। किंतु यह इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे काव्यात्मा पद पर कुंतक ने प्रतिष्ठित किया है। तो यद्यपि वक्रोक्ति अलंकार है लेकिन इसके बावजूद भी वह इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे आचार्य कुंतक ने काव्य की आत्मा के पद पर प्रतिष्ठित किया है। दूसरा है प्रसिद्ध कथन पर आचार्य कुंतक के मत है, प्रसिद्ध कथन प्रणाली से भिन्न कथन प्रणाली वक्रोक्ति का आधारभूत तत्व है। लोक एवं शास्त्र से भिन्न कथन पद्धति ही वक्रोक्ति है। तो यद्यपि वक्रोक्ति तो कहने का एक तरीका है, आप कहते हैं, कह सकते हैं कि अलंकार है, लेकिन आम जनता जिस भाषा या जिस कथन प्रणाली का प्रयोग करती है उससे जो कवि होते हैं उससे अलग ढंग से, भिन्न ढंग से जब वो अपनी बात कहते हैं, मतलब लोक में कही गई जो बात है, आम जनमानस में जो बात कही जाती है या जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, उससे भी भिन्न जो उक्ति होती है, जो चमत्कार पूर्ण ढंग से जो कही जाती है, अतिशयोक्ति पूर्ण ढंग से जो कही जाती है, वह क्या है? वक्रोक्ति है। अब तीसरा है, क्या कहा है उन्होंने? काव्यगत चारुता, चारुता मतलब सौंदर्य या खूबसूरती, चमत्कार, वक्रता, वक्रता मतलब वही
कुटिल ढंग से जो बात कही जाती है, टेढ़ी मेढ़ी ढंग से जो बात कही जाती है, विदग्धता मतलब चमत्कार पूर्ण, और शोभा का मूल आधार कुंतक वक्रोक्ति को मानते हैं। यह कवि कौशल पर निर्भर करता है, मतलब कवि की कुशलता क्या है कि वह काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करे, उसमें चमत्कार उत्पन्न करे, अतिशयोक्ति का प्रयोग करे और उसे सुंदर बनाए, है? तो यही ये इन सब बातों के आधार पर वक्रोक्ति का जन्म होता है। और यह किस पर निर्भर करता है? कवि के कौशल पर, कवि के स्किल पर, कवि के टैलेंट पर निर्भर करता है। अब चौथी बात उन्होंने जो कही वह यह है, वक्रोक्ति शब्द क्रीड़ा या निकृष्ट काव्य कौतुक न होकर सहृदयों को आनंदित करने वाला कवि कौशल है, इस बात पर कुंतक ने अत्यधिक बल दिया है। तो आचार्य कुंतक ने इस बात पर सर्वाधिक बल दिया है कि जो वक्रोक्ति है सिर्फ शब्दों का हेर फेर नहीं है, सिर्फ शब्दों की कारीगरी नहीं है, शब्दों को सजाने का ढंग नहीं है, शब्दों को व्यवस्थित करने का ढंग नहीं है कि हम शब्दों को ऐसे इस प्रकार जमा दें कि पढ़ने में हमको मजा आने लगे, बल्कि यह शब्द क्रीड़ा ना होकर, शब्दों को जमाने का तरीका ना होकर, यह क्या है, सहृदय मतलब जो पाठक है, जो श्रोता है, उसको आनंद प्रदान करने वाला कवि कौशल है, कवि का स्किल है, कवि का टैलेंट है, इस बात पर कुंतक ने अत्यधिक बल दिया है। अब आचार्य कुंतक का यह भी मानना है कि वक्रोक्ति का सौंदर्य शब्द और अर्थ दोनों में निहित होता है, अर्थात उक्ति की विचित्रता शब्द में भी होती है और अर्थ में भी होता है। इसका तात्पर्य हुआ कि शब्द और अर्थ अलंकार होते हैं और उनको अलंकृत करने वाला तत्व वक्रोक्ति होता है, मतलब शब्द भी खूबसूरत हमको महसूस हो और उसका अर्थ भी बहुत ही खूबसूरत हो। जैसे मैंने बिहारी जी का दोहा बताया कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवन असह देह देन कहे नटी जाए। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तब भी हमको उतनी खूबसूरती का एहसास होता है, शब्दों के द्वारा भी हमको आनंद की अनुभूति होती है, और जब हम उसके अर्थ को भी पढ़ते हैं कि गोपियां जो हैं भगवान कृष्ण से बात करना चाह रही हैं, उनकी बातों के मधुरता से मुग्ध हैं, तो उनकी बांसुरी के छुपा देती है, और जब बार बार भगवान कृष्ण उनसे व्याकुल होकर अपने बांसुरी के बारे में पूछते हैं तो वो सौगंध खाकर कहती हैं उनके पास वह नहीं है, लेकिन भावों के द्वारा एक दूसरे को देखकर वे हंसती भी है। तो इस प्रकार यहाँ शब्द में भी सौंदर्य है और उसके अर्थ में भी सौंदर्य है। तो इस प्रकार वक्रोक्ति क्या करता है, यहाँ पर शब्द और अर्थ अलंकार्य है, जैसे मैंने दुल्हन का उदाहरण दिया, तो शब्द और अर्थ को सजाने का काम कौन कर रहा है, वक्रोक्ति कर रहा है। तो यहाँ शब्द और अर्थ क्या है, अलंकार्य है, और जो इनको सजाने वाला जो तत्व है वह क्या है, वक्रोक्ति है। अब वक्रोक्ति के भेद, वक्रोक्ति कितने प्रकार के होते हैं, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। इन्होंने कहा, इनका कहना है कि वक्रोक्ति जो अलंकार है वह कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, ये 3 हो गए, और वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। फिलहाल ये नाम पर्याप्त है, आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अब यह प्राय परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि वक्रोक्ति सिद्धांत और क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, मेरा लेक्चर देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र पर मेरे लेक्चर्स बहुत ज्यादा पसंद किए गए हैं, इसमें जो मेरे दर्शक हैं, जो छात्र हैं उनके द्वारा, छात्र मैं सबको नहीं कहूंगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ज्ञानी और विद्वान लोग भी मेरे चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, कुछ लोग तो शायद कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकते हैं, अब जो भी देख रहे होंगे जहां तक मेरी बात पहुंच रही है, तो बहुत सारे लेक्चर्स मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, बहुत ही विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहूंगा कि लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। तो आप देखिए, मेरा प्रयास बस यह रहता है कि मैं कठिन चीजों को सरल भाव से आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वक्रोक्ति सिद्धांत और अभिव्यंजनावाद, आचार्य ये प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पाश्चात्य अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान बताया है। अब विलायती उत्थान क्या होता है, ये हम जो वक्रोक्ति सिद्धांत है या संस्कृत वर्षन है, भारतीय काव्य शास्त्र है या संस्कृत काव्य शास्त्र है, विलायती उत्थान से तात्पर्य है इसका इंग्लिश वर्षन या फिर फॉरेन वर्षन। आप समझिए, विलायती उत्थान शब्द का मतलब क्या है, अंग्रेजी संस्करण, फॉरेन वर्षन या फिर इंग्लिश वर्षन। तो इन्होंने जो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है और जो आचार्य कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत है, इसे आचार्य शुक्ल ने माना है कि दोनों एक जैसे हैं, मतलब भारतीय जो काव्य शास्त्र का वक्रोक्ति सिद्धांत है और क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है, दोनों एक जैसे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अंतर भी आइए देखते हैं। पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र में अभिव्यंजनावाद पर विचार करने का श्रेय इटली के विद्वान क्रोचे को है, मतलब अभिव्यंजनावाद का प्रवर्तक कौन है पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, क्रोचे हैं। इन पर मैं, इस पर मेरा वीडियो भी है। क्रोचे की मान्यता थी कि कला का संबंध स्वयं प्रकाश ज्ञान से है,
जबकि कुंतक शास्त्रीय ज्ञान को भी कला से संबंधित मानते हैं। तो क्रोचे का मानना है कि जो कला है, जो कलात्मक प्रतिभा है, वह क्या है? कवि अथवा कलाकार में जन्मजात होती है, उसमें इंट्यूशन होता है, स्वयं प्रकाश ज्ञान, मतलब वो उसका इंडिविजुअल टैलेंट है जो जन्म से किसी कवि या कलाकार में विद्वान होता है, और जब उसको उचित परिस्थितियां प्राप्त होती है तो वह प्रस्फुटित हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे हमने जमीन में कोई बीज को डाल दिया है, जब जमीन को हम बीज में डाल के उसको भूल गए, बाद में जब बारिश के दिन आएंगे तो जो जैसे आम का आपने बीज डाल दिया हुआ जमीन में गड़ा दिया उसको, या फिर अपने आप दब गया है, तो जब बारिश का मौसम आएगा तो बारिश जब होगी तब उसको अनुकूल वातावरण पैदा होगा, उसमें वह अंकुरित होगा छोटा सा पौधा। तो वैसा ही इनका कहना है क्रोचे का, कि जो कला है उसका संबंध क्या है? उसके इंडिविजुअल टैलेंट से होता है, उसमें इंडिविजुअल जो टैलेंट होता है, जो इंट्यूशन होता है, उससे कला का जन्म होता है। जबकि आचार्य कुंतक का कहना क्या है कि आचार्य कुंतक शास्त्रीय ज्ञान को भी कला से संबंधित मानते हैं। आचार्य कुंतक का यह कहना है कि प्रतिभा और अभ्यास, प्रतिभा तो जरूरी है लेकिन अभ्यास के द्वारा, जैसे किताबों को पढ़कर, शास्त्रों को पढ़कर, जैसे आपको कोई डांस की ट्रेनिंग दे दे, या फिर कोई आपको कविता लिखने की ट्रेनिंग दे दे, कोई चित्रकारी की ट्रेनिंग दे दे, तो इस प्रकार जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं वह भी इसी से संबंधित है। अभिव्यंजना, अभिव्यंजना मतलब होता है एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेशनिज्म, तो इसका संबंध भी वो कला से मानते हैं ना। शास्त्रीय ज्ञान का संबंध भी आचार्य कुंतक कला से मानते हैं, जबकि क्रोचे का कहना क्या है कि वह जन्मजात प्रतिभा होती है, इंट्यूशन होता है। क्रोचे ने उक्ति की सहजता और स्वाभाविकता में काव्य का सौंदर्य माना है। क्रोचे का कहना क्या है, जो बात जितनी सहज और सरल ढंग से कही जाए वही काव्य का सौंदर्य है। मतलब उसमें आपको अतिशयोक्ति का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, कुछ विशेष एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं है आपको कविता को सुंदर बनाने के लिए। जबकि कुंतक का कहना क्या है, आचार्य कुंतक का कहना क्या है, वक्रता या विचित्रता को ही सौंदर्य का मूल आधार स्वीकार करते हैं। आचार्य कुंतक का मानना है कि आप सीधी सीधी आप बात कर देते हैं, आम जनता की भाषा में बात करते हैं, बहुत सरल सरल ढंग से आप बात करते हैं, तो वह काव्य नहीं है, वह केवल वार्ता है या केवल कथन है। जब तक किसी कथन में विचित्रता ना हो, लक्षणता ना हो, चारुता ना हो, तब तक वह काव्य नहीं कहा जा सकता, वह केवल कथन मात्र है। लेकिन क्रोचे क्या कहते हैं, कोई भी बात जो सहज और सरल ढंग से कही गई हो कविता के रूप में वह काव्य है। तो दिस इज द डिफरेंस दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, क्रोचे ने मानसिक अभिव्यंजना को प्रमुख माना है तथा वाच्य अभिव्यक्ति उनके लिए गौड़ है। क्रोचे का कहना है कि कोई कविता को हम महसूस करते हैं, जैसे हमने प्रकृति के सौंदर्य को देखा और महसूस किया और हमारे दिमाग में कविता ने जन्म लिया, मतलब कविता हमारे दिमाग में जन्म ले लिया कविता ने, लेकिन हमने उसे एक्सप्रेस नहीं किया, हमने उसे काव्य के रूप में कहीं लिखा नहीं, तो यह भी पर्याप्त है। तो क्रोचे के अनुसार मानसिक अभिव्यंजना मतलब मन में अभिव्यक्ति प्रदान करना, जैसे आपने प्रकृति में कोई बहुत ही सुंदर दृश्य देखा पर आपके मन में एक कविता ने जन्म लिया, तो कवि संतुष्ट हो गया, पर्याप्त है, उसने उसे नोट डाउन नहीं किया, कहीं पर लिखा नहीं कविता को, तो इस प्रकार वे मन में जो एक्सप्रेस किया जाता है उसे ही वे पर्याप्त मानते हैं। उनका कहना है कि कविता को लिखा जाना आवश्यक नहीं है। जबकि कुंतक ने वाच्य अथवा शाब्दिक अभिव्यक्ति की ही चर्चा की है, वे क्रोचे की तरह मानसिक अभिव्यक्ति की कल्पना नहीं करते। लेकिन क्रोचे का कहना क्या है, ठीक है आपके मन में कविता ने जन्म लिया, लेकिन उस कविता को कहना अथवा उस कविता को लिखना आवश्यक है। बिना अभिव्यक्ति के केवल मन में कविता को महसूस करना या लिख देना अपने दिमाग में, उससे कोई फायदा नहीं है, जब तक कि लोग और समाज का उससे कल्याण ना हो, लोगों तक वह ना पहुंचे। इसके अतिरिक्त इन दोनों सिद्धांतों में एक बहुत बड़ा अंतर यह भी है कि क्रोचे केवल कवि की आत्मतुष्टि को काव्य का लक्ष्य मानते हैं, जो मानसिक अभिव्यक्ति से पूरा हो जाता है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद क्या कहता है, क्रोचे के अनुसार कवि के दिमाग में किसी कविता ने जन्म लिया और वह कविता जन्म लेकर वहां पर समाप्त हो गई, इसे कवि संतुष्ट हो गया, तो यह कवि की संतुष्टि ही उनका लक्ष्य है, काव्य का लक्ष्य मानते हैं, लेकिन जो मानसिक अभिव्यक्ति से पूरा हो जाता है, सुंदर दृश्य देखकर आप खुश हो गए, बहुत ही रोमांटिक हो गए, शाराना हो गए और वह खत्म हो गया, तो यह कवि संतुष्ट हो गया, उसकी मानसिक अभिव्यक्ति पूरी होगी। जबकि कुंतक का क्या कहना है, आचार्य कुंतक कहते हैं कि इसके स्थान पर सहृदय के मन को प्रसन्नता प्रदान करना ही काव्य का लक्ष्य स्वीकार करते हैं। तो उनका कहना है कि कवि की संतुष्टि ही काव्य का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि जो सहृदय सामाजिक है, जो कविता का श्रोता है, जो कविता का पाठक है, उसके मन में प्रसन्नता का संचार होना चाहिए काव्य से, और यही काव्य का लक्ष्य है। यही कारण है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने वक्रोक्ति सिद्धांत और अभिव्यंजनावाद को अलग अलग माना है और वे इस संबंध में आचार्य शुक्ल के मत से सहमत नहीं है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त नाम के विद्वान है, तो इनका कहना है कि
जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र का क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो विचार है कि जो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान है, वे इस कथन से सहमत नहीं है, वे इन दोनों को अलग अलग मानते। और डॉक्टर नगेंद्र ने भी इस पर आगे कुछ विचार किया और इन्होंने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद और वक्रोक्तिवाद में कुछ साम्य भी खुजाया। अभी हमने विषमता देखा कि दोनों में क्या विषमता है, क्या क्या भिन्नता है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इन दोनों में क्या समानताएं हैं। पहला है, दोनों ही सिद्धांत अभिव्यंजना को ही काव्य का प्राण तत्व मानते हैं। अभी मतलब प्राण तत्व मतलब मुख्य तत्व क्या है दोनों ही सिद्धांतों का? अभिव्यंजना। अभिव्यंजना मतलब होता है अभिव्यक्ति प्रदान करना, एक्सप्रेस करना, तो यही उसका प्राण तत्व है। दूसरा, दोनों ने काव्य में कल्पना तत्व को प्रमुखता दी है। कल्पना तत्व मतलब किसी चीज को इमेजिन करना है ना, तो काव्य में दोनों ही सिद्धांतों में कल्पना तत्व की प्रमुखता है, प्रधानता है। तीसरा, दोनों ही मूलतः उक्ति को अखंड, अविभाज्य और अद्वितीय मानते हैं। उक्ति मतलब कथन, कथन प्रणाली या कहने का ढंग। उनका कहना है कि जो कथन है, जो उक्ति है, जो अखंड है और अविभाज्य है, उसे और छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, अद्वितीय मानते हैं। मतलब किसी भी कथन का जो हम जो भाव है हमारे पास निकल कर आता है, तो कंप्लीटली जब हम उसको पढ़ेंगे, जैसे बतरस लाल की जब हमने बताया, तो कंप्लीटली जब आप उसको पढ़ेंगे तभी उसका अर्थ निकलेगा। छोटे छोटे हिस्सों में आप उसको बांट देंगे तो वह अर्थ वही चमत्कारपूर्ण अर्थ नहीं निकलेगा, सुंदर आपको नहीं लगेगा। चौथा, दोनों ने ही अलंकार और अलंकार्य का भेद नहीं माना है। तो यहाँ पर एक विरोधाभास भी है कि दोनों ने अलंकार और अलंकार्य दोनों का भेद नहीं माना है, कि उनका कहना है कि दोनों एक ही चीज है। और पांचवा, ये डॉक्टर नगेंद्र का विचार है, उनके विचार नहीं है, डॉक्टर नगेंद्र का यह कहना है कि अलंकार और अलंकार्य दोनों एक ही चीज है, हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसके बाद है पांचवा, दोनों ही सफल अभिव्यंजना अथवा सौंदर्य अभिव्यंजना में श्रेणियां स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि एक्सप्रेशन की सौंदर्यात्मक है या खूबसूरत है, एक्सप्रेशन सिर्फ एक्सप्रेशन है, कोई एक्सप्रेशन सफल या असफल नहीं कहा जा सकता, मतलब बस सिर्फ अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति करना मुख्य उद्देश्य है, तो इसमें अलग अलग हम कैटेगरी नहीं रख सकते। यह सफल अभिव्यंजना है, सफलता पूर्वक उसने अभिव्यक्ति प्रदान किया कि नहीं किए, इसमें सौंदर्य विद्यमान है कि नहीं है। अब हम देखते हैं वक्रोक्ति सिद्धांत का महत्व क्या है। इसके पहले बहुत सारे सिद्धांत आ चुके थे, रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति संप्रदाय इत्यादि, तो इनका क्या महत्व है, यह निष्कर्ष है वास्तव में। तो वक्रोक्ति सिद्धांत का महत्व क्या है? यद्यपि वक्रोक्ति सिद्धांत का अधिक प्रचार काव्य शास्त्र में ना हो सका, ज्यादा इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, फिर भी इसका महत्व कम नहीं होता है, क्योंकि वक्रोक्ति में व्यापक रूप में रीति, अलंकार, ध्वनि, रस आदि सभी पूर्व प्रचलित सिद्धांतों का थोड़ा बहुत समन्वय हो जाता है। तो यह जो वक्रोक्ति सिद्धांत है, इसमें इन सारे जो पहले के जो सिद्धांत चले आ रहे थे, रीति सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, रस सिद्धांत, इन सब में जो बातें आई हैं उनका यहाँ पर समन्वय हो जाता है, सभी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा यहाँ पर देखने को मिलता है। वक्रोक्ति के विभिन्न भेदों पर दृष्टिपात करने से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कवि कौशल और काव्य सौंदर्य दोनों ही वक्रोक्ति में समाहित है। मतलब जब हम वक्रोक्ति के हमने यहाँ पर छह प्रकार देखा, उन सभी छह प्रकारों का जब हम अध्ययन करते हैं तब हमको समझ में आ जाता है कि वक्रोक्ति के लिए दो चीजें अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एक तो कवि का कौशल, मतलब जो कवि का जो टैलेंट है, जो स्किल है, जो उसकी प्रतिभा है, और दूसरा है काव्य का सौंदर्य, जो अलंकारों का हम प्रयोग करते हैं, वक्रोक्ति का प्रयोग करते हैं, यह दोनों ही वक्रोक्ति में समाहित है। मतलब कवि टैलेंटेड भी होना चाहिए और फिर कविता में सौंदर्य भी होना चाहिए। वस्तुतः इस सिद्धांत को अधिक मान्यता इसलिए भी नहीं मिली क्योंकि यह काव्य के मूल विषय की वैसी व्याख्या प्रस्तुत नहीं करता जैसा कि रस सिद्धांत करता है। मतलब वास्तव में यह क्या, रस सिद्धांत में ज्यादा हमने विस्तृत ढंग से उसकी व्याख्या की है, काव्य का मूल विषय या मूल तत्व का, लेकिन यह अलंकार, यह क्या वक्रोक्ति सिद्धांत क्या है, सिर्फ सौंदर्य की बात करता है, एक तरफा बात करता है। दूसरे, यह सिद्धांत किंचित बाद में सामने आया, यह बाद में आया यह सिद्धांत इन सभी सिद्धांतों के बाद। इसके पहले जो अन्य सिद्धांत आ चुके थे, रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, रीति सिद्धांत आदि पर विचार किया जा चुका था और काव्य शास्त्र में इनकी पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। तो इनके पहले जो सिद्धांत थे वे और भी प्रतिष्ठित सिद्धांत थे, इसलिए इसको नया सिद्धांत मानकर या फिर इसमें ज्यादा विस्तार से लोग नहीं गए और इसे उन्होंने ज्यादा स्वीकार नहीं किया। अतः नए सिद्धांत को स्वीकार करने में लोगों ने अरुचि दिखाई, इस पर ज्यादा इंटरेस्ट उन्होंने नहीं लिया। और एक और कारण है कि वक्रोक्ति के जो भेदों पर भेदों का वर्गीकरण अस्पष्ट एवं जटिल हो गया है, अतः यह सिद्धांत लोकप्रियता प्राप्त न कर सका। इन्होंने वक्रोक्ति के संबंध में जो कैटेगराइज किया, अलग अलग वर्गीकरण किया सभी हमारे विद्वानों ने, आचार्य कुंतक ने भी छह भागों में बांटा है इसको, तो इससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा कैटेगराइजेशन हो गया तो लोकप्रिय नहीं हो सका।
परंतु कुछ भी हो, इतना तो कहा ही जा सकता है कि वक्रोक्ति सिद्धांत आचार्य कुंतक की अद्भुत प्रतिभा, व्यापक दृष्टि एवं व्यवस्थित चिंतन से उद्भूत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके बावजूद भी आचार्य कुंतक एक नया विचार लेकर सामने आए। उन्होंने काव्य के सौंदर्य की बात की, उन्होंने जनमानस के हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न करने की बात की, तो यह उनकी अद्भुत प्रतिभा का द्योतक है, क्योंकि उनका दृष्टिकोण बहुत ही व्यापक था कि काव्य का सौंदर्य केवल मानसिक सौंदर्य नहीं है, कवि की संतुष्टि ही किसी काव्य का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बाकी सहृदय समाजी के हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न करना, उनके हृदय के भावों को उद्भूत करना, जागृत करना भी उसका उद्देश्य होना चाहिए। तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यदि मेरे दो वेबसाइट्स हैं आपको मैं बता देता हूँ, hindishikhar.com और hindiadab.com। अदब मतलब होता है साहित्य, उर्दू का शब्द है, अरबी फारसी का। तो हिंदी शिखर और हिंदी अदब, www.hindishikhar.com और www.hindiadab.com, इनका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। यदि इस जो ये जो आर्टिकल है इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पर चले जाइएगा। दोनों वेबसाइट में मैंने बहुत सारे कंटेंट्स डाले हुए हैं, वहां पर जाकर जरूर पढ़िए। और वह मैं इसलिए डाला हूँ क्योंकि कुछ छात्र बाद में मेरे नोट्स पढ़ना चाहते हैं, तो वो आर्टिकल आप जाकर वहां पर पढ़ सकते हैं। वहां पर आपके काम के चीज बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और .com डोमेन है तो वर्ल्ड लेवल पे कहीं भी वह ओपन होगा और वह हमेशा आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबसे मेरी अंत में गुजारिश है कि आप लोग सिर्फ देख कर चले जाते हैं, और मेरे 20% सिर्फ सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे दर्शक हैं उनमें से 20% बस सब्सक्राइब करते हैं। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि आपको मेरा आज का यह लेक्चर कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।